गुड मॉर्निंग ऑल, आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्पीड। तो उससे पहले ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 4x² + 32x + 15। ये पॉलीनोमियल की डिग्री 2 है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax² + bx + c। क्लियर? सो यहां से आप देख लीजिए ax² + bx + c, तो इसका मतलब a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 32 और c का वैल्यू हो गया 50। क्लियर? हम कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है ये जो मिडिल टर्म है दैट इज योर 32x, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो a का वैल्यू है 4, a का वैल्यू 4 और c का जो वैल्यू है दैट इज 15, सो 15 हो जाए 60। उसके बाद 60 का फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 60 आर 60 × 1, 30 × 2, 15 × 4 और 10 × 6 हो गया। सो यहां से आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 60 को 1 से ऐड करता हूं मुझे मिल जाएगा 61। अगर 30 को 2 के साथ ऐड करता हूं मुझे मिलेगा 32। अगर 15 को 4 से ऐड करता हूं मुझे मिलेगा 19। और 10 को अगर मैं क्या करता हूं, 10 को अगर 6 के साथ ऐड करता हूं मुझे मिलेगा 16। ठीक है, देखिए हमारा मिडिल टर्म कौन सा है, 32। तो यहां पे 32 कहां पे, ये है 32। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है उसको हम कुछ ऐसे ब्रेक करेंगे, जो 32 लिखा है यहां पे 32 को हटा के हम लिखेंगे 30 + 2। डन? तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 4x² + 32x + 15 और जो मिडिल टर्म था हमारा वो कुछ हो जाएगा 30x + 2x + 15। क्लियर? तो यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन मैंने ले लिया तो मुझे मिल गया x + 15। ठीक है, और यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जहां से अगर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा 2x + 15। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना। सो अब देखिए यहाँ पे x + 15 है और यहाँ पे 2 छोड़ दिया है और यहाँ पे भी 2x + 15 है। ठीक है, 2x + 15 यहाँ पे बोथ साइड पे है। सो 2x + 15 को मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गया 2x + 1। क्लियर? सो 2x + 15 = 0, 2x = -15 का 15, ये 15 उधर चला गया, एंड x = -15/2, तो मुझे यहाँ पे एक 0 मिल गया। दूसरा यहां से मिलेगा 2x + 1 = 0, 2x = -1 एंड x = -1/2, तो ये मुझे मिल गया दूसरा 0। सो दिस इज ऑल अबाउट मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लियर?